चलो बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। जैसा कि सबको पता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, तो बाल जो है ना स्वेट आने की वजह से इतने रूखे बेजान और टूटने भी लगते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग सा हेयर ऑयल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घर की होगी कुछ रूटीन आपके साथ शेयर, तो आपने जाना कि नहीं मेरे साथ रहना आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले न्यू जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स को मैं अपने चैनल किचन दरमान मोम में वेलकम कहती हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया क्या मेरे चैनल पे आए, उसको देखा सुना और सब्सक्राइब किया और प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का एक बहुत प्यारा सा हिस्सा बन गए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, घर में जो हम रोटी रुमाल नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको वॉश कैसे करना है। अक्सर देखने में आता है कि रोटी जब लपेटते हैं ना तो रुमाल में से जिस भी डिटर्जेंट को हम यूज़ करते हैं उसकी स्मेल आ रही होती है। तो इसके लिए बेहतरीन है कि हमने एक खुले बर्तन में पानी ले लेना, उसके अंदर डाल देना बेकिंग सोडा, नमक डाल दें, विनीगर है तो विनीगर डाल दें, विनीगर नहीं है तो आप एक लेमन स्क्वीज़ कर दें, और जो भी डिटर्जेंट आप घर में कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो शामिल कर दें, और इसको बस पकने दें। 10 से 15 मिनट आपने इसको पकने देना है। और दूसरी तरफ जो घर में हम ऑयल वगैरह के जब पैन वगैरह को साफ़ करना होता है, तवा साफ़ करना होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा ऑयल होता है तो उनको अलहदा से वॉश कर लेना है, और जो नॉर्मल रोटी हम लपेटते हैं उसके अंदर तो वो अलहदा से करिएगा। तो बस अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट हमने इनको पकने दिया। आप देखें कि इतना ज़्यादा जितना भी कोई ऑयल वगैरह होता है अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएंगे। फिर इनको एक दफ़ा फिर डिटर्जेंट डाल के अच्छी तरह से स्क्रब कर लें और खुले पानी के साथ इनको धो लें। तो आप देखिएगा कभी भी आपके जो कोने हैं रोटी वाले रुमाल, कभी भी रोटी में से किसी किस्म की महक नहीं आएगी और रोटी खाने को दिल भी करता है। समटाइम देखा जाता है कि गरम गरम जब रोटी लपेटते थे हम रुमाल में तो उसमें डिटर्जेंट वगैरह की स्मेल आ रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इस तरीके से अपने घर के रुमाल वगैरह धोएंगे रोटी वाले तो आपके कभी भी रोटी में से किसी किस्म की महक वगैरह नहीं आएगी, तो ये आपका मसला इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगा। तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस टिप को। तो यहाँ पे हो गया था लंच का टाइम और अरबी गोश्त बन रहा था, और अरबी के लिए भी ये वाली एक टिप है कि जब आप इस स्टेज पे अरबी को डालने लगे तो एक चम्मच के करीब इसके अंदर आटा शामिल कर दें, अच्छी तरह से विस्क करके धो लें और फिर इसको पकाना शुरू करें। तो लेस वगैरह जो हो जाती है ना अरबी में तो वो इंशाल्लाह ताला नहीं होती, तो अरबी आपकी बहुत मज़े की बनती है। और जब गर्म मसाला डाल देना उस टाइम पर एक लेमन भी स्क्वीज़ करके डाल दिया करें तो इंशाल्लाह ताला कोई लेस वगैरह इसमें नहीं आती। तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर अपना फीडबैक भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और 3-4 बजे इतना कोई मौसम हसीन हो गया ना कि पूछे मत, इतना बादल आया, सारी रात माशाल्लाह बहुत ठंडा रहा और सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो जब तक हम मौसम को इन्जॉय करते हैं आप हेयर ऑयल रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसकी रेसिपी को आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल हेयर ऑयल। थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा बस इसको बनाते वक्त, एक बार की प्रिपरेशन है और उसके बाद फिर इत्मीनान से बैठ के आप इसको महीना भर यूज़ करेंगे। और हेयर ऑयल ना आपके बालों के लिए इतना ही ज़रूरी होता है जितना आपके फेस के लिए मॉइस्चराइज़र या कोई फेस क्रीम। जैसे कि फेस प्रोडक्ट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और ग्लोइंग रखते हैं, सेम ऐसे ही एक हेयर ऑयल आपके बालों को हाइड्रेट और शाइनी रखता है। जैसे आपके स्कैल्प हाइड्रेट होंगे तभी आपके बाल जो है ना बाहर से शाइनिंग कर पाएंगे। और फिर बात आ जाती है कि कौन सा हेयर ऑयल लें जिससे बाल शाइनी हाइड्रेट हों और साथ में हेयर फॉल भी कंट्रोल करे, साथ में हेयर ग्रोथ भी हो, डैंड्रफ भी ख़त्म हो, बालों में जान भी डाल दे। तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑयल रेमडी मैं आपको दूंगी, जो कि आप बहुत जेंटली अपने बालों में जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं और एक मैजिक की तरह आपके बालों में वो काम करेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इसको हमने कैसे प्रिपेयर करना है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे जो इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे।
तो इस हेयर ऑयल रेमडी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें है मस्टर्ड ऑयल, आंवला, रीठा, शिकाकाई और फेनोग्रीक यानी कि मेथी दाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेमडी को बनाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन के अंदर ऑयल डाल देंगे। आपने ना बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना, अदरवाइज़ सारे इंग्रेडिएंट्स आपके फिर जल जाएंगे। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। 5 से 10 मिनट इनफ होते हैं इसके लिए। जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे ऑयल के अंदर आ जाते हैं। तो हमने इसके अंदर एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं और 2 चम्मच मैं इसके अंदर फेनोग्रीक शामिल करूँगी और इसको हमने पकने देना 5 से 10 मिनट तक। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल जो है ना बालों में नरिशमेंट का काम करता है, हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्रिटिल हेयर, फ्रीजी हेयर, स्प्लिट हेयर्स इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है और मज़ीद बालों में कंडीशनिंग का काम करता है और इसके रेगुलर यूज़ से बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आंवला में होता है विटामिन सी, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, नए बाल आने में हेल्प करते हैं। शिकाकाई बालों को मॉइस्चराइज करेगी, ड्राइनेस, फ्रीजी बालों को, रूखे सूखे बेजान बालों को ठीक करेगी और ये एक नेचुरली माइल्ड क्लिंजिंग का काम भी करती है बालों में। रीठा में विटामिन ए, बी, ई एंड के होता है जिसकी वजह से बाल सॉफ्ट होते हैं। और मेथी में बालों को देने वाला बायोटीन प्रोटीन पाया जाता है, बालों को ये ग्रोथ भी देता है जी। तो 15 मिनट हमने इसको पकाया और उसके बाद हमने इसको ठंडा करके स्ट्रेन कर लिया। अब मज़ीद इसको पावरफुल करने के लिए हम इसमें कुछ और ऑयल्स भी शामिल करेंगे। आप डालना चाहते हैं तो इनको डाल सकते हैं, डालना नहीं चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। ये ऑयल जो है ना बिना ऑयल्स के ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर इसमें आप दूसरे ऑयल भी शामिल कर लेंगे, कोई ज़्यादा इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो इसमें जाएगा कोकोनट ऑयल, 3 से 4 चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल कर देंगे। कोकोनट हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ देता है, रिजुवनेट भी करता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है, हेयर ग्रोथ प्रॉब्लम को स्लो भी करता है और ब्रेकेज हेयर में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा आलमंड ऑयल, ये भी बालों को जो हेयर फॉल है टूटते हुए बालों को रोकता है, बालों में शाइन भी देता है। लास्ट में हमने 2 चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल कर देना कैस्टर ऑयल। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक शाइनिंग एजेंट है, मॉइस्चराइज करता है, हेयर लॉस कम करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो ये एक पावरफुल हेयर ऑयल है जो आपको मिल चुका है। जैसा कि आपने सभी इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स को जाना कि ये बालों के लिए किस कदर बेनिफिशियल है, तो इसको लगाना है आपने बालों में 1 घंटा नहाने से पहले और फिर आपने अपने जिस भी फेवरेट शैम्पू आप यूज़ करते हैं उसे अपने बालों को वॉश ऑफ कर लीजिएगा। वीक में 3 दफ़ा आपने ज़रूर इसको लगाना है। तो जब इसको लगाएंगे फिर अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, बालों में ऑयलिंग करना तो कंपलसरी है, ये तो करनी ही करनी होती है, लेकिन स्वेट बहुत ज़्यादा आता है गर्मियों में, तो आप ना ड्राई मसाज भी ज़रूर किया करें बालों में, बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जब हम ऑयलिंग करते हैं तब तो डेफिनेटली हमने मसाज करनी ही होती है, लेकिन ड्राई मसाज भी आप डेली के डेली 10 से 15 मिनट ज़रूर अपने बालों में किया करें, तो इंशाल्लाह ताला ब्लड सर्कुलेशन उससे फास्ट होती है और हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है। तो आप ज़रूर इस टिप को भी फॉलो कीजिएगा कि ड्राई मसाज बालों में ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला ऑयल तो आपको बेनिफिट्स देगा ही देगा, लेकिन अगर ड्राई मसाज भी करते रहते ना डेली के डेली बालों में तो ये बहुत हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो इंशाल्लाह ताला इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो मौसम देखें, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बच्चे कह रहे थे हमने चिकन चौमन बनाने, वो बनाने लगे थे। मैंने अपने लिए मसर बनाने शुरू कर दिए और साथ में मैंने बनाया थोड़ा सा हलवा अपने लिए। तो बस मौसम को किया खूब इंजॉय और बस ये था मेरा आज का सिंपल सा सादा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, ऑयल की रेमडी को आपने ज़रूर ट्राई करना, फिर अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत ज़बरदस्त ऑयल है तो आप ट्राई ज़रूर इसको कीजिएगा। बस रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।